हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने मोबाइल के कीबोर्ड पे वॉइस सर्च का ऑप्शन लाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फोन के कीबोर्ड पे वॉइस सर्च का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने फोन में कीबोर्ड पे वॉइस सर्च का ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से ये दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड हमारा खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक वॉइस सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो इस टाइप से अगर आप भी लाना चाहते हैं तो किस तरह से ला सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम कट करते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा सेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑप्शन आप में आने लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। यहाँ पे आप कीबोर्ड सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे आपको आना है, नीचे आपको दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जीबोर्ड देख सकते हैं, जीबोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग होता है वॉइस टाइपिंग, देख सकते हैं वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसे एनेबल कर देना है। अगर ये एनेबल है तो बहुत ही बढ़िया है, एनेबल है तो इसे आप इनेबल ही रहने देंगे। उसके बाद बैक करेंगे यहाँ से और यहाँ पे अब हमारा सेटिंग जो है वो हो गया है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और वापस अब चलते हैं कीबोर्ड पे। वापस से कीबोर्ड पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगा ये वॉइस का ऑप्शन, देख सकते हैं वॉइस सर्च का ऑप्शन। आपको सिर्फ यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट का बना हुआ आइकन दिखता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला जो पट्टी है वो आ जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वॉइस सर्च आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी जहाँ वॉइस सर्च का सपोर्ट नहीं है वहाँ पे आप इसे एनेबल करके सर्च कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे टैब करना है और आप जो है जो भी बोलेंगे वो यहाँ पे आने लग जाएगा, देख सकते हैं ऊपर में आ रहा है। तो इस तरह से आप भी जो है वॉइस सर्च कर सकते हैं, कीबोर्ड में वॉइस सर्च का ऑप्शन ला सकते हैं।